फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी होंगी। तो चलिए हम बहुत ही तरह तरह की अच्छी अच्छी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मार्केट के जैसा। हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पैन को गर्म करेंगे। तो पैन गर्म हो चुका है, इसके अंदर डालेंगे दूध। दूध थोड़ा सा हम डालेंगे, दूध को हल्का सा हम गर्म करेंगे। दूध को थोड़ी देर तक पकाएंगे, अच्छी तरह ये पक जाएगा तो इसके अंदर हम देखिए अच्छी तरह से ये पक गया। दूध गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा इलायची। इलायची को कूट के डाले हैं, इनको भी अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो इलायची को अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं, इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। पीसी हुई चीनी डालिएगा तो बहुत ही जल्दी तैयार होता है। तो चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना मीठा आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। तो इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चीनी भी अच्छी तरह से इसमें घुल गया है। इसके अंदर डालते हैं मिल्क पाउडर, आपके पास नहीं भी होगा तो आप खोवा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हम मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से इसमें मिला देते हैं। तो इनको भी अच्छी तरह से मिला देते हैं, स्लो आंच में ही इन्हें पकाना है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये तैयार हो रहा है लबड़ी जैसा। तो खूब अच्छी तरह से चलाते रहिएगा, मिक्स करते रहिएगा, मिक्स करते रहिएगा, रुकिएगा बिल्कुल नहीं, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पैन छोड़ दिया है। तो हमें इसी तरह डो बना के तैयार कर लेना है। तो इनको 2 मिनट ठंडा कर लेना है। 2 मिनट हो चुका है, देखिए ठंडा हो गया है। तो इसमें हम 2 चम्मच कोकोनट का बुरादा डाल देना है, जिसे कहते हैं नारियल का बुरादा। तो 2 चम्मच इसमें ऐड कर देना है। तो इसको अच्छी तरह से हमें इसमें मिक्स कर लेना है। इस तरह अच्छी तरह से मिला लेना है। तो इसे मैं 3 हिस्सा कर देती हूँ, 3 भाग में इस तरह। 3 कलर हमें बनाना है, रेडी कर लेना है 3 कलर का। तो मैं 1 कलर उठाती हूँ, 1 प्लेट में रखती हूँ, इसे साइड कर देती हूँ। तो मैं इसमें ऑरेंज कलर मिक्स करूँगी थोड़ा सा, अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं ऑरेंज कलर को, तो इसे मैं करती हूँ साइड में। इसको हरा कलर बना लेना है, इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी हरा कलर, ज़्यादा नहीं, लाइट में बनाना है। तो मैं इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। हरा कलर भी हम इसको रेडी कर लिए हैं। तो थोड़ा सा हम लेंगे इसके अंदर बादाम ऐड करेंगे और अखरोट, 2 किस्म हमें इसमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा और लेंगे, इसके अंदर रेड कलर डालेंगे, इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। रेड कलर भी तैयार हो चुका है, सारे को अच्छी तरह तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, इसका छोटा छोटा हमें गेंद तैयार कर लेना है। इस तरह तो सबसे पहले हम एक लोई लेंगे, इस तरह बनाएंगे, गेंद के साइज में बनाना है। इस तरह करिएगा,
इस तरह बना लीजिएगा। उसके बाद हमें धीरे से थोड़ा सा भौरा टाइप में इस तरह बनाइएगा। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। थोड़ा सा इस पर टेढ़ा कर दीजिएगा इस तरह क्रॉस में। इस तरह हमें बना लेना है सारे को। तो सारे को बना लिए हैं, इसी तरह बना कर रेडी कर लेना है। तो इसे करती हूँ मैं साइड में। अब हमें दूसरे प्लेट में हरा कलर का लेना है। तो हरे कलर को भी छोटी छोटी हमें गेंद तैयार कर लेना है। इसी तरह गेंद की तरह तैयार कर लेना है, देखिए इसी तरह। उसके बाद हमें अंगूठे से इस तरह दबा देना है। इस तरह अंगूठे से दबा देना है हल्का हल्का। तो इसी तरह हमें सारे मिठाई को तैयार कर लेना है। एक उठाएंगे हम, इसके ऊपर हमें इस तरह लगा देना है। तो ये लौंग है, लौंग को इस तरह जगह पे लगा देना है। तो हमें इस तरह रख देना, तैयार कर लेना है। आप ये देख सकते हैं बनके तैयार हो गया बहुत ही टेस्टी मिठाई। आई होप आप भी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम दूसरी मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। इसकी भी हमें गेंद की तरह, छोटी छोटी गेंद की तरह हमें ले लेना है, देखिए। अब हमें इसे गोल कर लेना है, इस तरह गोल गोल कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा इस तरह कर लेना है कि दबा देना है, देखिए। इस तरह हमें तैयार कर लेना है। अब इसके ऊपर हमें इस तरह निशान बना लेना है। इसी तरह सारे को बना के रख लेना है। इसे करते हैं साइड में। लेते हैं ग्रीन कलर, इसका भी हमें छोटा छोटा गेंद तैयार कर लेना है। इसी तरह छोटा छोटा हमें तैयार कर लेना है। इस तरह हाथ से दबाइएगा इस तरह थोड़ा थोड़ा क्रॉस में। हाथ से अंगूठे से दबाइएगा इस तरह। इस तरह निशान लगाइएगा इसमें इस तरह। देखिए बना के तैयार कर ली हूँ मैं। इस तरह मिठाई को हाथ में ले लेना है। एक इस पर उठाइएगा इस तरह लगा दीजिएगा और दूसरा वाला भी इस तरह। इसी तरह तैयार कर लेना है। दूसरी वाली मिठाई भी बनके तैयार हो गया है। ये देखिए रेडी हो गया है। चलिए हम अब तीसरी मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस तरह का मैं मिठाई बना रही हूँ आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसकी भी छोटा छोटा हम गेंद की तरह ले लेते हैं साइज इस तरह। अब हमें एक तरफ
इसको हल्का सा पतला कर देना है, इस तरह पतला कर देना है। अंगूठे से इस तरह दबाइएगा। इतने चौड़े में हमें बना लेना है, है? हाथ में लेने के बाद हमें इस तरह निशान लगा लेना है। इधर भी इस साइड भी इस तरह बना के रेडी कर लेना है साड़ी को। तो देखिए अच्छी तरह मैंने इस मिठाई को भी बना के रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा बादाम लगा लेना है इस तरह। आप देख सकते हैं तीसरी मिठाई भी बनके रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बनके रेडी हुआ है। चलिए हम चौथी मिठाई भी बना के रेडी कर लेते हैं इसी तरह। चलिए हम इसे ले लेते हैं जिसमें हम बादाम और अखरोट डाले थे, देख सकते हैं आप लोग। इसके भी छोटे छोटे हम बॉल तैयार कर लेते हैं। इसी साइज का हमें तैयार कर लेना है। इतने बड़े साइज में हमें तैयार कर लेना है। देखिए बॉल तैयार कर चुके हैं। अब इसे हम एक ऑरेंज कलर लेंगे, छोटा सा लेना है। इसे इस तरह कर देना है। इसकी छोटी छोटी हमें गेंद तैयार कर लेना है, ये देख सकते हैं आप इतनी साइज का, ठीक है। इस तरह तैयार कर लेना है। देखिए अच्छी तरह तैयार कर चुके हैं। अब इसके अंदर हमें छोटा सा हमें पूरी बेल लेना है हाथ से ही, इस तरह एक उठा के इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद हमें इस तरह कवर कर देना है अच्छी तरह से। इसका भी अच्छी तरह से गेंद तैयार कर लेना है। देखिए इसी तरह तैयार कर लेना है। तो सारे को अच्छी तरह से मैंने कवर कर दी हूँ। तो इसे करती हूँ साइड में। हमें थोड़ा सॉल ले लेना है, वाइट कलर का है। आप इसे हल्का सा इस तरह करिएगा, छोटा छोटा हमें गोटी जो होती है ना गोली, गोली के साइज में छोटी छोटी गेंद तैयार कर लेना है हमें इस तरह। इस तरह इतने साइज का हमें ले लेना है। ये देख सकते हैं आप लोग बना के मैं तैयार कर चुकी हूँ छोटी छोटी। अब हमें एक ले लेना है। लेने के बाद हमें इसे इस तरह सारे को इस तरह चिपका देना है। तो देखिए इसी तरह हमें बना लेना है। दूसरी वाले भी हम इसी तरह बना कर रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मैं ये बना कर रेडी कर दी हूँ। अब हमें थोड़ा सा ग्रीन कलर हाथ में लगा लेना है इस तरह। इस तरह हाथ में लगा लेना है। हाथ में लगा के हमें इस तरह हल्का हल्का इस तरह कर देना है। तो इसी तरह बना के रेडी कर लेना है दूसरे वाले को भी। ये चौथी मिठाई भी बना के रेडी कर दी हूँ।
देखिए रेडी हो चुका है। आपको ये मिठाई अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।